सब्जेक्ट आरसीसी लेक्चर 7। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे डबली रेनफोर्स बीम। डबली रेनफोर्स बीम क्या होता है? तो अभी तक हमने पढ़ा था सिंगली रेनफोर्स बीम। सिंगली रेनफोर्स बीम क्या होता है? ऐसी धरन जिसके केवल तनन क्षेत्र में इस्पात डला हो। किसमें रेनफोर्समेंट था? टेंसाइल एरिया में। लेकिन हमारी डबली रेनफोर्स बीम क्या है? ऐसी धरन जिसके तनन क्षेत्र व संपीड़न क्षेत्र दोनों में प्रबलन डला गया हो। तो टेंसाइल एरिया में तो ये डला ही है। अब हमने क्या किया, कंप्रेशन एरिया में भी रेनफोर्समेंट डाल दिया, तब ऐसी धरन को क्या कहेंगे? डबली रेनफोर्स बीम। अब आपको पता है कि हमारी बीम जो है वो नीचे से तो खिसती है, तनाव होता है, ऊपर संपीड़न होता है। तो हम इस तनाव बल को वहन करने के लिए क्या करते थे? रेनफोर्समेंट डाल देते थे। पर अब ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि हम ऊपर डाल रहे हैं? अगर आपकी बीम है उस पर बहुत ज़्यादा लोड लगा हुआ है, मतलब कि आपको ज़्यादा अधिक लोड के लिए बीम डिज़ाइन करनी है, तो आप क्या करेंगे? आपको पता है नीचे तनन आता है, फोर्स आते हैं, तो आप लोड ज़्यादा होगा, अधिक प्रतिबल वहन करने पड़ेंगे। आप क्या करेंगे? नीचे स्टील बढ़ा देंगे कि ज़्यादा फोर्स आ रहा है तो ज़्यादा स्टील डाल दो वहन करने के लिए। और जब नीचे ज़्यादा स्टील डालेंगे तो आप ऊपर भी क्या करेंगे? ज़्यादा कंक्रीट यूज़ करेंगे। पर इससे क्या होगा, जो आपका इतने बड़ी बीम बन रही थी वो अब कितनी बड़ी बन जाएगी? इतनी बड़ी बनेगी। ये क्या करेगी? हमारा एरिया ज़्यादा घेरेगी। तो अपने एरिया को लिमिटेड रखने के लिए साइज ऑफ बीम को अगर आपका बीम का साइज लिमिटेड है और उस पर आपको ज्यादा से ज्यादा लोड लगाना है, ज्यादा से ज्यादा लोड आ रहा है, तो आप क्या करेंगे? तब आप डबली रेनफोर्स बीम को बनाएंगे। इसके बनाने से क्या होता है, ये जो कंक्रीट का एरिया जो बढ़ता बलों को वहन करने के लिए, उसको अब कौन वहन कर रहा है? ये रेनफोर्समेंट। इस अधिक बल को वहन करने के लिए हमने ऊपर रेनफोर्समेंट डाल दिया, जो कंक्रीट के साथ मिलके यहाँ आपने इस्पात बढ़ा ही दिया, और यहाँ एरिया बढ़ाने की जगह रेनफोर्समेंट डाल दिया, जो कंक्रीट के साथ मिलके जो अधिक लोड आए हैं उनको वहन कर रहा है। तो इस नीड के लिए कि आपको अपने स्ट्रक्चर का एरिया भी नहीं बढ़ाना है बीम का और उस पर लोड भी अधिक लगाना है, तब हम डबली रेनफोर्स बीम को बनाते हैं। दूसरी कंडीशन होती है डबली बनाने की, अगर उस पर इम्पैक्ट लोड आ रहे हो। कैसे लोड? इम्पैक्ट लोड, इनको बोलते हैं झटके। अगर कोई फैक्ट्री है जहां पर मशीनों का वर्क होता है, मशीन के लोड आ रहा है, तो वो क्या होता है, वहां पर झटके महसूस होते रहते हैं। तो जो बीम होती है उस पर झटके आते हैं, इन झटकों को वहन करने के लिए भी हम डबली रेनफोर्स बीम बनाते हैं। थर्ड होता है मूविंग लोड। मूविंग लोड और रोलिंग लोड, मूविंग लोड कौन से लोड होते हैं? जैसे कि आपकी ट्रेन है, कोई भी व्हीकल है, बस है, ट्रेन है, इनका जो लोड होता है ये क्या है? चलती रहती हैं। तो इनके लोड को वहन करने के लिए हम डबली रेनफोर्स बीम बनाते हैं। कोई पुल है, उसके ऊपर से ट्रेन जा रही है, बस जा रही है, वो क्या है? चलते रहते हैं, मूव होते रहते हैं। तो इन पुलों के नीचे क्या लगी होती है? बीमें लगी रहती हैं। इनको फिर हम डबली बनाते हैं ताकि इस मूविंग लोड को ये सहन कर सके। तो जब ये कंडीशनें होती है तब हमें अपनी बीम डबली बनानी पड़ती है। अब डबली रेनफोर्स बीम को बारे में देखते हैं कैसी होती है। आप सिंगली रेनफोर्स बीम का सेक्शन बनाना जानते हैं, कैसा बनता है? स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। अगर ये आपकी बीम है, अभी हम सिंगली के तरीके से देखते हैं, फिर उसको डबली में इंटरचेंज करते हैं। इसमें क्या होता है, स्टील में नीचे प्रतिबल सिग्मा एस टी बाय एम, कंक्रीट में ऊपर प्रतिबल सिग्मा सी बी सी, और क्रिटिकल एक्सिस से डिस्टेंस कंक्रीट का कितना होता है? एक्स सी। ये जो दूरी होती है ये प्रभावी गहराई डी, प्रबलन के केंद्र से कंक्रीट के दूर वाले किनारे दूरी। तो ये तो भी हमारा सिंगली की तरह बना है।
अगर अब हम इसको जरा डब्ल्यू में इंटरचेंज करें, हमने डाला ऊपर भी रेनफोर्समेंट, अब क्या होगा, ये जो रेनफोर्समेंट है आपको अगर आप उल्टा करके देखो सेम इसकी तरह ही लगेगा। यहां पर हम क्या पढ़े थे, प्रबलन के केंद्र से कंक्रीट के किनारे की दूरी क्या होती है, डीडस, प्रभावी आवरण, इफेक्टिव कवर। तो जब ये इफेक्टिव कवर था तो ऊपर की भी जो ये कंक्रीट है ये किसकी तरह काम कर रही है, कवर की तरह, रेनफोर्समेंट को ढकने का कार्य कर रही है। तो ये जो डिस्टेंस होगा ये कितना हो गया, डीडस, जो नीचे डीडस है वही ये होगा डीडस, इफेक्टिव कवर। अब इसके कारण, इस कंक्रीट के पूरे के कारण तो प्रतिबल सिग्मा सी भी सी आ रहे थे, ये भी कंक्रीट के साथ मिलकर बल वहन कर रहा है। तो जब इसको देखेंगे तो इसका जो स्ट्रेसेस है वो यहां बनेंगे, सिग्मा सी बी सी डैश, इस रेनफोर्समेंट के कारण ये कब आए स्ट्रेसेस, सिग्मा सी बी सी डैश, और ये डिस्टेंस हमको कितनी पता है, डी डैश, ये डिस्टेंस है डी डैश, ये कितना है पूरा डी, हमको इससे यहां तक की दूरी पता है। अब इस प्रतिबल की इस सतह से दूरी कितनी हो गई, x माइनस डी डैश, इस x में से ये डी डैश घटा देंगे तो हमें इस वाले स्ट्रेस के लिए उदासीन अक्ष से दूरी पता चल जाएगी। तो ये तो हमारा एक स्ट्रेस डायग्राम है डबली रेनफोर्स्ड के लिए। अब इसमें हमें सबसे पहले क्या निकालनी होती है, वही पहली तरह सेम सिंगली वाले फॉर्मूले हैं, वही चीजें निकालनी है आपको, फर्स्ट फाउंड करनी है क्रिटिकल एक्सिस, क्रिटिकल एक्सिस, क्रांतिक अक्ष, क्रांतिक अक्ष का फॉर्मूला क्या होता था, एक्ससी का, एक्ससी बराबर एम सिग्मा सी बी सी इंटू में डी अपॉन एम सिग्मा सी बी सी प्लस सिग्मा एस टी। ये क्रिटिकल की बात हो रही है तो क्रिटिकल के लिए दोनों के फॉर्मूले सेम रहेंगे, कोई चेंज नहीं आएगा। अब हम अपनी देखते हैं उदासीन अक्ष, एक्चुअल वाली, हमें क्या देखनी है, एक्चुअल एक्सिस, एक्चुअल एक्सिस, ये होती है वास्तविक अक्ष। वास्तविक अक्ष क्या होती थी, ऐसी अक्ष जो हमारे सेक्शन को, धरण खंड को दो बराबर भागों में बांटे, ऐसी अक्ष को क्या कहते थे, उदासीन अक्ष। तो इस उदासीन अक्ष में ये धरण की चौड़ाई b है, ये d है, हम क्या करते हैं मूवमेंट देते हैं, मूवमेंट अबाउट एक्चुअल एक्सिस, वास्तविक अक्ष के पर रहता है आघूर्ण लेने पर, परतः आघूर्ण लेने पर। अब सेम पहले वाले प्रोसेस पर जाते हैं, आप जितना सिंगली से कंपेयर करके चलेंगे उतना ही आपके लिए ये इजी हो जाएंगे फॉर्मूले। तो पहले वाले में हम क्या करते थे, इस मूवमेंट के अबाउट इतने एरिए का मूवमेंट बराबर क्या होता था, इस एरिए का मूवमेंट, इस एरिए में कंक्रीट को नहीं लेते थे हम, एम एस टी को लेते थे, किसको लेते थे, एम एस टी। तो अब यहाँ पे ऊपर वाले सेक्शन का मूवमेंट बराबर क्या है, नीचे वाले सेक्शन का मूवमेंट। अब हम ऊपर वाले सेक्शन का मूवमेंट देखते हैं, मूवमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट या फिर एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो अब इस सेक्शन का एरिया देखते हैं, कंक्रीट का क्या है हमारे पास, बी इंटू में एक्स, ये एक्स है, ये एक्स यहां भी यही है, यहां भी यही है, एरिया क्या है, बी इंटू में एक्स, डिस्प्लेसमेंट उदासीन अक्ष से जितनी दूरी पर वर्क करेगा, कहाँ वर्क करेगा, ये फोर्स उसके आधे पर, रेक्टेंगुलर के आधे पर। तो ये क्या हो जाएगा, x बाय टू,
अब इसमें देखने वाली एक चीज है, एक प्रतिबल ये थे कंक्रीट के लिए आपने ये पूरा एरिया ले लिया, पर इसमें आपको एक चीज दिखाई दे रही है, ये भी पड़े हुए हैं रेनफोर्समेंट। तो हमें ये पूरे बराबर है इस पूरे के, तो हमें इसके ये तो ले लिया, पर अब हमें क्या चाहिए, इसका एरिया, ये एरिया चाहिए जो हमने वहां पर स्टील डाली है। तो इस एरिया को बोलते हैं ए एस सी 1.5 MASC। यहां पर ए एस टी क्या था, ए एस टी बराबर क्या था, एरिया ऑफ स्टील, एरिया ऑफ स्टील इन टी से टेंशन, तनन में इस्पात का क्षेत्रफल। ये जो ए एस टी होता है, ये होता है एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन, मतलब कि संपीड़न में इस्पात का क्षेत्रफल। ये एम जो यूज करते थे हम, ये कंक्रीट के समतुल्य करने के लिए, कंक्रीट के इक्विवेलेंट एरिया करने के लिए हमने कहा था कि हम एम को यूज करते हैं। यहीं पर जब कंप्रेशन में स्टील की बात होती है, तो यहां पर हम एम की जगह 1.5 M रखते हैं। इक्विवेलेंट करने के लिए क्या रखते हैं, 1.5 M, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये हमारे IS कोड ने दी है। IS कोड ने कंप्रेशन में स्टील के लिए M इज इक्वल टू दिया है 1.5 M। अब यहां से अगर हम स्टील का एरिया निकालें, वो क्या निकलेगा, हमें क्या चाहिए, यहां तो एरिया ऑफ स्टील चाहिए होता था, अब यहां भी हमें कंप्रेशन में जो संपीड़न में जो तनन इस्पात है इसका क्षेत्रफल और इसके साथ ऐड करेंगे, क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में इसका क्षेत्रफल और ऐड करेंगे। ये क्षेत्रफल क्या कर रहा है कि इसने इतना जो आपने यहाँ पर सरिया डाल दिया, तो उतना ही कंक्रीट वहां से माइनस हो गया, इतना सरिया डालने की वजह से इतना ही कंक्रीट ब्लॉक में से ये कंक्रीट हमने माइनस कर दिया है। तो अब इस इक्विवेलेंट एरिया को निकालने के लिए समतुल्य क्षेत्रफल, समतुल्य इस्पात का जो क्षेत्रफल है वो क्या है, इस एरिया में से समतुल्य में से 1.5 MASC में से आप इस ASC को माइनस कर दीजिए, क्या कर दीजिए, ASC को माइनस, तो ये आ जाता है आपका ASC, इसमें से कॉमन ले लें तो ASC। इस चीज को रिमेम्बर रखिएगा, ये जो चीज है, जहां भी आप संपीड़न इस्पात का क्षेत्रफल यूज करेंगे, इस वाले प्रतिबल के लिए जब आप वर्क करेंगे, तो आप इस एरिया को यूज करेंगे, किसको यूज करेंगे, इसको। तो यहां जब ऐड करेंगे हम, तो क्या ऐड करेंगे, इस एरिया को प्लस कर देंगे। ये तो एरिया कंक्रीट ब्लॉक का एरिया हो गया था, इस कंक्रीट ब्लॉक का B x। अब हमें स्टील का लेना था, इसके अंदर भी स्टील का, तो वो क्या आएगा, प्लस इसके साथ ऐड हो जाएगी 1.5 M - 1 ASC। ये कितनी दूरी पर काम कर रहा है, ये तो स्क्वायर था, तो आधी दूरी पर काम कर रहा था, कितनी दूरी पर काम कर रहा था, आधी दूरी पर। अगर इस प्रतिबल में देखा जाए, तो ये उदासीन अक्ष से कितनी दूरी चल रहा है, x - d', तो इसकी दूरी जो डिस्प्लेसमेंट है वो आएगा x - d'। अब ऊपर वाला बराबर होता है नीचे वाले स्टील के, तो नीचे वाला हमारा पहले वाले की तरह ये पुराना MASTD - x। ये d - x क्या था, इस पूरे d में से ये x घटा के ये d - x, वही ओल्ड। इस तरीके से हमें अपने वास्तविक अक्ष की फॉर्मूला मिल जाता है पूरा का पूरा। फॉर्मूले में कुछ नहीं है, सिर्फ आपको जो हमने कंप्रेशन स्टील डाली है पुराने वाले फॉर्मूले में, बस उसी चीज को आपने एक्स्ट्रा, इस चीज को एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। ये पुराना वाला ये पूरा सिर्फ हमने क्या ऐड किया, जो कंप्रेशन स्टील है, कंप्रेशन स्टील
उसके लिए और हमने मूवमेंट को कंप्रेसर स्टील पे एक्सिस के अमाउंट मूवमेंट कर दिया, तो उस मूवमेंट को और हमने इस फॉर्मूले में ऐड कर दिया है। और इस फॉर्मूले से आप क्या निकाल लेंगे, एक्स ए की वैल्यू। अब हमारे पास एक्स ही आ गई, एक्स आ गई, तो हम क्या करते हैं कंपेयर करने पर अगर एक्स ए सेम कंडीशन है सिंगली और डबली दोनों के लिए, एक्स ए बराबर एक्स ही के है तो कौन सा सेक्शन है बैलेंस्ड। एक्स ए ज्यादा है मतलब रेनफोर्समेंट ज्यादा है, रेनफोर्समेंट ज्यादा है मतलब ओवर रेनफोर्समेंट बीम है। एक्स से ज्यादा है प्रबलन ज्यादा दिया है मतलब अति प्रबलित धरन है, कैसी धरन है अति प्रबलित। और एक्स ए कम है तो हमारी अल्प प्रबलित धरन है अंडर रेनफोर्स बीम है। यहां से हम एक्स ए और एक्स सी से पता कर लेंगे हमारी बीम कैसी है। और इसके बाद हम क्या करते थे मूवमेंट ऑफ रेसिस्टेंस निकालते थे। अब हम क्या निकालेंगे प्रतिरोधी आघूर्ण डब्ल्यू बीम का। मूवमेंट ऑफ रेसिस्टेंस में क्या होता था इसका फॉर्मूला, अगर हम कंप्रेशन के लिए देखें, पहले देखें कंप्रेशन के लिए, कंप्रेशन जब संपीड़न में देखते थे तो एम आर सी बराबर होता था एफ सी इंटू जेड, यही होता था पहले। अब क्या था लेकिन हमारा जो हमारा सेक्शन है हम कंप्रेशन जोन की बात कर रहे हैं, कंप्रेशन जोन में जो एफ सी है वो कैसे वर्क कर रहा है, यहां एफ सी आपका ऐसे वर्क कर रहा है। लेकिन अब इसमें ये चीज भी पड़ी हुई है प्रतिबल हमारा दूसरा कौन सा है ये, तो इसमें दो बल कार्य कर रहे हैं, एक एफ सी वर्क कर रहा है और दूसरा हम बोल सकते हैं एफ सी डैश, वो भी इसके साथ क्या है मिलकर काम कर रहा है। फोर्स इनटू में लीवर आर्म हमारा फॉर्मूला होता था और ये इसके लिए हो गया फोर्स दूसरा वाला इनटू लीवर आर्म। एफ सी क्या होता है हमारा, एफ सी फोर्स ऑफ कंप्रेशन, कंप्रेशन इन कंक्रीट, कंक्रीट में संपीड़न बल क्या होते हैं, अगर हम अपना स्ट्रेस डायग्राम बनाएं इसको रहने दीजिए, सिग्मा CBC और ये होता था X, तो हमारा FC क्या होता था प्रतिबल आरेख का क्षेत्रफल, प्रतिबल आरेख का क्षेत्रफल एरिया ऑफ स्ट्रेस डायग्राम इनटू में विड्थ बीम की। तो प्रतिबल आरेख का क्षेत्रफल ट्रायंगल के लिए क्या होता है एक बट्टे दो बी एक्स सिग्मा सी बी सी इंटू में धर्म की चौड़ाई क्या है बी, तो ये आ गया हमारा एफ सी। हमने पहले क्या निकाल लिया कंक्रीट में संपीड़न बल। अब ये एफ सी डैश क्या है, एफ सी डैश को देखते हैं, एफ सी डैश ये होता है फोर्स ऑफ कंप्रेशन, फोर्स ऑफ कंप्रेशन इन स्टील, इस्पात में संपीड़न बल, ऊपर का जो इस्पात है उसमें संपीड़न बल ही आ गया। तो अब हम निकालेंगे इस्पात में, पहले निकाला था कंक्रीट में, ये क्या होगा वही
इस्पात का क्षेत्रफल, इस्पात के लिए क्या होता है, इस्पात का क्षेत्रफल इनटू में इस्पात का प्रतिबल, प्रतिबल स्ट्रेस ऑफ स्टील एंड एरिया ऑफ स्टील। तो इस वाले एरिया, स्टील का एरिया कितना था हमने पता किया था, 1.5 m - 1 ASC ये फाउंड कर लिया इनटू में, इसमें जो स्ट्रेस आ रहे थे यहां पर क्या आ रहे थे, सिग्मा सीबीसी डैश, यहां जो स्ट्रेस आ रहे थे वो आ रहे थे सिग्मा सीबीसी डैश। तो ये हो गया आपका एफ सी डैश की वैल्यू। अब हमें क्या चाहिए, ये जेड और ये लीवर आर्म। तो जेड की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, लीवर आर्म जो है वो क्या है, संपीड़न बल तथा तनन बल के बीच की लंबवत दूरी। तो यहां से यहां तक की दूरी जो थी, क्योंकि अगर इसमें पहले वाले को देखें तो इसका फोर्स कहां काम कर रहा था, एक्स बाय थ्री दूरी पर, एक्स बाय थर्ड पर, और ये पूरी डी थी। तो हमने जो इसके बीच की ये दूरी निकाली थी ये कितनी आई थी, डी माइनस एक्स बाय थ्री। तो हमारे पहले के लिए जो लीवर आर्म है कंक्रीट में डी माइनस एक्स बाय थ्री हो गई। अब हम बात करते हैं इस वाले के लिए हमारी क्या होगी, तो अब जो होगी वो क्या होगी, स्टील अगर आपका यहां पड़ा था एक्स बाय थ्री आप यहां मान लीजिए, तो यहां तक के डिस्टेंस कितना था डी डैश। तो लीवर आर्म क्या होगी, इसके बीच की और इसके बीच की दूरी, ये दूरी इस वाले फोर्स के लिए, मतलब इस वाली स्टील के लिए जो इसमें पड़ी हुई है और इसमें जो पड़ी हुई है, इन दोनों के बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे, इस बात के लिए लीवर आर्म। अब ये क्या होगी, पूरी डी में से आप इस डी को घटा दीजिए, कंक्रीट में आपकी हो जाएगी डी माइनस एक्स बाई थ्री, और स्टील के लिए क्या होगी, कंप्रेशन स्टील के लिए, कंप्रेशन स्टील के लिए टी माइनस डी डैश। तो कंप्रेशन स्टील के लिए क्या थी, डी माइनस डी डैश। अब हम अपना जरा मूवमेंट ऑफ रेसिस्टेंस का फॉर्मूला बनाए तो क्या बनेगा, एफ सी हमने निकाल ही दिया, वही पुरानी वाली कंक्रीट के लिए जो होता था 1/2 बी एक्स सिग्मा सी बी सी, ये हो गया हमारा एफ सी। और कंक्रीट के लिए लीवर आर्म कितनी थी, डी माइनस एक्स बाय थ्री। अब इसमें हमें कंप्रेशन स्टील के लिए और करना है, ये फोर्स किसका है, कंप्रेशन स्टील का, ये क्या होता है कंप्रेशन स्टील का एरिया इनटू में उसका स्ट्रेस सिग्मा सी बी सी डैश। और इसके लिए लीवर आर्म कितनी थी, डी माइनस डी डैश। अब ये देखो, ये जो सिग्मा सी बी सी डैश है इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, यहां पर ये तो सिग्मा सी बी सी है ही, ये क्या है एक्स सी। जितना आप इस फिगर से फॉर्मूले को लर्न करना सीख लेंगे तो आपको फॉर्मूले बार बार याद नहीं करने पड़ेंगे, आप इतने बड़े फॉर्मूलों को लर्न नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप वहीं के वहीं तुरंत अपने इससे निकाल सकते हैं। अब यहाँ क्या था, सिग्मा सी बी सी डैश यही था, इस वाले स्टील के लिए ये था और ये कंक्रीट के लिए था। इसका डिस्टेंस ये कितना था, प्रभावी आवरण डी डैश। तो उदासीन अक्ष से इसकी दूरी कितनी हो गई, एक्स माइनस डी डैश, ये तो हमें पता ही है। तो जब हम पहले इक्विवेलेंट ट्रायंगल देख के चलते थे कि ये इसके समरूप है ये इसके समरूप है, अब इसमें देखिए आप, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ये कैसे है, दो ट्रायंगल। तो इसमें भी सेम वही कॉन्सेप्ट लग जाएगा, सिग्मा सी बी सी अपॉन में एक्स,
क्या लगेगा, सिग्मा सी बी सी अपॉन में एक्स, ये वाला प्रतिबल पट्टी में ये दूरी किसके बराबर होगी, हम ऊपर ही ऊपर देख रहे हैं, ये सिग्मा सी बी सी डैश, सिग्मा सी बी सी डैश बट्टे में इसकी ये दूरी, ये दूरी कितनी है x माइनस डी डैश। तो यहां से ये जो सिग्मा सी बी सी डैश है ये वाला, इसकी वैल्यू आप यहां से रख सकते हैं, सिग्मा सी बी सी डैश बराबर कितना आ जाएगा, सिग्मा सी बी सी x माइनस में डी डैश अपॉन x। कई बुक्स में इस फॉर्मूले को डायरेक्ट इसमें दिया है तो हम इस चीज को जान ही नहीं पाते ये होती क्या है, इसलिए आप इसको अलग से सॉल्व करके इसमें रखिए, आपका फॉर्मूला भी शॉर्ट हो जाएगा और ये जल्दी आपको लर्न हो जाएगा, वरना आपको इस पूरे फॉर्मूले में इसके साथ इस जगह पर ये फॉर्मूला आपको ऐसे भी मिल सकता है, सिग्मा सी बी सी एक्स माइनस डी डैश अपॉन में एक्स और डी माइनस डी डैश। इसको आप लर्न करेंगे आप कंफ्यूज हो जाएंगे कहाँ क्या रखना है कहाँ क्या नहीं रखना है, तो कुछ तो शॉर्ट हो, हम इसको हटा के इसको इस तरीके से मान लेते हैं, थोड़ा बहुत तो शॉर्ट हो, इसको हम अलग से वैल्यू निकाल लेंगे, एफ सी की वैल्यू अलग याद कीजिए, जेड की अलग याद कीजिए, इसकी अलग अलग करेंगे तो आपको ज्यादा छोटा होके फॉर्मूला और अच्छे से याद हो जाएगा। अब हम निकालते हैं अपना स्टील में मूवमेंट ऑफ रेसिस्टेंस, किसमें, टेंशन में, मूवमेंट ऑफ रेसिस्टेंस इन टेंशन, तनन में प्रतिरोधी आघूर्ण क्या होता है, एम आर इक्वल टू एफ टी इंटू में जेड, यही होता था, मतलब फोर्स इंटू में लीवर आर्म, इसमें आपके लिए जो है क्या है, यहां भी रेनफोर्समेंट पड़ा है, यहां भी फोर्स आ रहा है, यहां भी फोर्स आ रहा है, तो फोर्स के लिए क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग बनेगी, तो इसके लिए जो मूवमेंट ऑफ रेसिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है एफ टी इंटू में डी माइनस ए बार, एफ टी डी माइनस ए बार। अब ये ए बार क्या है, एफ टी आपको पता ही है क्या होता था, एफ टी बराबर सिग्मा एस टी ए एस टी, इस्पात का क्षेत्रफल इंटू में इस्पात का प्रतिबल, डी हमारी प्रभावी गहराई है, ये ए बार क्या है, आप मैकेनिक्स में सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना सीखे थे, क्या होता था, फोर्स इनटू में डिस्टेंस जो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी का आता था, जहां पर वो एक्ट करता था, एक्स वन प्लस में एफ टू एक्स टू अपॉन में एफ वन प्लस एफ टू, कुछ ऐसे ही फॉर्मूला था। अगर इस फॉर्मूले को हम इसकी फॉर्म में बना दे तो अब देखिए ए बार जो है ऊपर दे दिए, हमारा क्या था, दो फोर्स हैं, फोर्स कहाँ पर दो हैं, कंक्रीट वाले एरिया में, एफ सी और एफ सी डैश, यहाँ एफ सी वर्क कर रहा है और यहाँ एफ सी डैश, तो आप एफ वन को मान लीजिए एफ सी, ये एफ सी कहाँ वर्क करेगा, ट्राइंगल के एक्स बाय थ्री पर, ये हम पहले ही देख चुके थे, तो आप एक्स वन की जगह क्या रख दीजिए, एक्स बाय थ्री, ये हो गया। अब एफ टू कौन सा है, ये एफ सी डैश, तो आप एफ टू की जगह रखिए एफ सी डैश, ये एफ सी डैश कहाँ वर्क करेगा, एफ सी डैश जो है वो कहाँ वर्क करेगा, ये डी डैश पर, किस पर वर्क करेगा, डी डैश पर, और नीचे फोर्स आपकी एफ सी प्लस में एफ सी डैश। इस ए बार की वैल्यू अलग निकालिएगा, इस ए बार की वैल्यू अलग निकाल के फिर आप क्या करेंगे, इसको इसमें रख देंगे तो एम आर आपका जल्दी निकल आएगा, या फिर आप इसको सीधे सीधे एम आर इजगल टू लिख सकते हैं, टेंशन की बात कर रहे हैं, सिग्मा एस टी एस टी डी माइनस ए बार, फिर भी आपको ए बार तो अलग से फाउंड करना ही करना पड़ेगा,
ये जो ए बार है ये कहां से बाउंड होगा, यहां से, जिसमें आप एफ सी की वैल्यू पहले ही निकाल चुके हैं। यहां पर एक्स बाय थ्री, एक्स आप उदासीन अपनी निकाल ही चुके हैं, एक्स ए और एफ सी की वैल्यू, जेड आपका इसमें है नहीं, एफ सी डैश ये रहा, यहां से रखेंगे, डी डैश आपको पता है प्रभावी आवरण, इन दोनों को जोड़ के आपका निकल आएगा ए डैश की वैल्यू। इस तरह से आप प्रतिवर्ती आवरण निकालना सीख जाएंगे। क्रिटिकल एक्सेस हो गया, उदासीन अक्ष हो गया, प्रतिरोधी आघूर्ण निकालना सीख लिया। अब हम इस पर करते हैं जो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वही, जैसे पहले वाले चैप्टर में किए थे। अब देखते हैं प्रॉब्लम फर्स्ट। अगर डब्ल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो उन पर किस किस तरीके की प्रॉब्लम आ सकती है, तो प्रॉब्लम फर्स्ट हमारी पहले सिंगली की तरह ही है। हमसे क्या पूछा जाएगा, मूवमेंट ऑफ रेसिस्टेंस, या फिर क्या पूछ सकता है, लोड, प्रतिरोधी आघूर्ण बताइए धरण का या धरण पर लगने वाला भार बताइए। इसके लिए हमें दिया गया क्या क्या होगा, डाटा गिवन क्या क्या होगा, आपको कंक्रीट और स्टील के ग्रेड दिए गए होंगे, कंक्रीट और स्टील ग्रेड। दूसरा आपको दिया गया होगा साइज ऑफ बीम, साइज ऑफ बीम और टेंशन, और टेंशन और कंप्रेशन में एरिया ऑफ स्टील, एरिया ऑफ स्टील मतलब कि टेंशन में कितना डाला है और कंप्रेशन में कितना डाला हुआ है। तो हमें प्रॉब्लम में ये चीजें दी गई होंगी और हमसे मूवमेंट ऑफ रेसिस्टेंस पूछा जाएगा। अब हम इसे सॉल्यूशन कैसे करते हैं, तो सॉल्यूशन करने के लिए मूवमेंट ऑफ रेसिस्टेंस ज्ञात करने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए हमारी धरण ओवर है या अंडर है या बैलेंस। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक्स सी और एक्स ए को फाउंड करते हैं। तो हमें एक्स सी ज्ञात करने के लिए क्या क्या चाहिएगा देखते हैं। सबसे पहले आप निकालेंगे सिग्मा सी बी सी, सिग्मा एस टी और मापांक अनुपात एम का मान। ये कैसे निकालेंगे आप, ग्रेड ऑफ कंक्रीट और स्टील से, जिस ग्रेड की कंक्रीट और स्टील है उसी के अकॉर्डिंग आप इनकी वैल्यू फाउंड कर लेंगे। सेकेंड स्टेप आप करेंगे अपनी प्रभावी गहराई ज्ञात करेंगे, क्या ज्ञात करेंगे, प्रभावी गहराई, इफेक्टिव डेप्थ डी, वो कैसे ज्ञात करेंगे आप, यहां से जो कुल गहराई होगी उसमें से इफेक्टिव डेप्थ और जो भी आपका डायव बार होगा उसको उठा के इफेक्टिव डेप्थ ज्ञात करेंगे। अब हम निकालेंगे अपनी एक्स सी, पहले क्या निकालेंगे, एक्स सी क्रांतिक अक्ष का फॉर्मूला क्या है, एम सिग्मा सी बी सी इंटू डी अपॉन में एम सिग्मा सी बी सी प्लस सिग्मा एस टी। यहां पर एम का मान ये निकाल लिया आपने, सिग्मा सी बी सी यहां से निकाल लिया, सिग्मा एस टी ये रहा और डी यहां ज्ञात कर ली, एक्स सी आपकी क्या हो गई, फाउंड हो गई। अब हमें दूसरी चीज क्या ज्ञात करनी है, एक्स ए, एक्स ए कैसे ज्ञात करते हैं, तो एक्स ए का फॉर्मूला क्या था, बी एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस में 1.5 एम माइनस 1 ए एस सी, और ये कितने मूवमेंट पर वर्क करता है, x माइनस टी डैश बराबर एम एस टी डी माइनस एक्स। अब यहां हमें क्या क्या चाहिएगा, हमें b चाहिए, b हमारी धरण की साइज ऑफ बीम में, यहाँ b इंटू डी आपको दिया गया होगा तो आपके पास b हो गई। m कहाँ है, ये रही ए एस सी, ए एस सी कैसे निकालेंगे, जब आपको कंप्रेशन में जो स्टील दिया होगा, ए एस सी कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ बार इंटू में पाई बाई फोर डी स्क्वायर। यहां पर हमें स्टील में और कंप्रेशन में अलग अलग बारें दी होंगी, हो सकती है सेम भी दी हो सकती है नीचे आपको चार दे दी हो, चार बार और ऊपर से तीन ही डलवाई हो, नीचे 25 की डलवाई हो ऊपर 20 की डलवाई हो, तो आपको ए एस सी और ए एस टी अलग अलग निकालना है। तो आप ए एस सी निकालेंगे जितनी ऊपर छड़े हैं
और जितने का उसका डाया है उससे। ए एस टी कैसे निकालेंगे, जितनी नीचे छड़े हैं और जितना नीचे छड़ों का डाया है। आपके पास ये दोनों चीजें आ गई, तो यहाँ आपके पास ए एस टी हो गया। डी डैश क्या है, ये प्रभावी आवरण। प्रभावी आवरण आपको दिया गया होगा, नहीं दिया है तो 30 में आप इस डाया का हाफ जोड़ के प्रभावी आवरण ज्ञात कर लेंगे। एम हमारे पास हो ही गया, ए एस टी एम यहाँ से निकाल लेंगे, और डी प्रभावी गहराई हम ज्ञात ही कर चुके हैं, तो यहाँ से हमारी एक्स ए की वैल्यू आ जाएगी। जब हमारे पास एक्स सी और एक्स ए दोनों हो जाएगी, तो दोनों को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। दोनों को कंपेयर करके अपना मूवमेंट ऑफ रेसिस्टेंस बताएंगे कि कंप्रेशन में निकालना है या टेंशन में। कंडीशन क्या होती है, एक्स सी बराबर है एक्स ए के तो बैलेंस है, एक्स ए ज्यादा है एक्स सी से तो एक्स ए ज्यादा है, स्टील ज्यादा है, स्टील ज्यादा है मतलब कि अति प्रवृत्त धरण है, ओवर है, और एक्स ए कम है मतलब अल्प प्रवृत्त धरण है, उसमें स्टील कम डला हुआ है, अंडर है, ओवर है मतलब स्टील में कमजोर है, क्योंकि स्टील तो ओवर है और इसमें कमजोर है कंक्रीट में, स्टील ज्यादा है इसलिए वो कंक्रीट में कमजोर है। कंक्रीट कहाँ होती है, कंप्रेशन जोन में, तो हम किसका मूवमेंट ऑफ रेसिस्टेंस निकालेंगे, कंप्रेशन का। ओवर के लिए आप निकालेंगे एम आर सी, क्या होता है एफ सी इंटू जेड प्लस में एफ सी डैश इंटू में डी माइनस डी डैश। अगर कंक्रीट ओवर है तो कंक्रीट के लिए निकालेंगे, वो आप ये निकाल देंगे। अगर अंडर की बात करें तो अंडर के लिए क्या होता है, स्टील कमजोर है, स्टील कमजोर है मतलब ये आप टेंशन का निकालेंगे, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस स्टील के लिए टेंशन का निकालेंगे एम आर टी। ये क्या होता है एफ टी इंटू में डी माइनस ए बार, एफ टी बराबर आपका सिग्मा एस टी ए एस टी, डी आपका यहाँ पर है ही माइनस ए बार। ए बार क्या था आपका, ये एफ सी कितने पर वर्क करता है, एक्स बाय थ्री पर, प्लस में कंप्रेशन फोर्स ऑफ स्टील इंटू में ये कितने पर वर्क करेगा, डी डैश पर, अपॉन में एफ सी प्लस में एफ सी डैश। यहां से आप अगर ओवर है तो इससे प्रतिरोधी आवरण निकाल लेंगे, अंडर है तो इससे, और अगर लोड पूछा हो तो सेम पहले की तरह बेंडिंग मूवमेंट बराबर मूवमेंट ऑफ रेसिस्टेंस, और मूवमेंट ऑफ रेसिस्टेंस की जो वैल्यू है बराबर डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 8 से आप डब्ल्यू यहां से फाउंड कर लेंगे अगर लोड पूछेगा तो। ये आपकी पहली प्रॉब्लम हो गई। अब प्रॉब्लम सेकंड देखते हैं। प्रॉब्लम सेकंड सिंगली की तरह इसमें भी आपसे स्ट्रेस पूछे जाएंगे कि प्रतिबल बताइए, वास्तविक प्रतिबल क्या है, सिग्मा सीबीसी डैश, सिग्मा एसटी और सिग्मा एससी के, इसमें क्या है आपके लिए, ये और एक्स्ट्रा फाउंड करने के लिए आएंगे, क्योंकि इसमें डब्ल्यू है तो ज्यादा प्रतिबल लगे हुए हैं। डाटा गिवन क्या कह दिया होगा, सॉल्व करने के लिए हमें जो वैल्यू दी गई होगी, पहली दी गई है मूवमेंट ऑफ रेसिस्टेंस की, या फिर लोड दिया होगा, कोई एक चीज जरूर दी गई होगी। दूसरा आपको साइज ऑफ बीम दिया गया होगा, साइज ऑफ बीम, बीम टू डी। थर्ड आपको दिया गया होगा ए एस टी और ए एस सी की वैल्यू, ये चीज आपको दी गई होगी क्वेश्चन में और आपसे पूछा जाएगा ये। तो हम स्ट्रेस निकालने के लिए अपना सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं, हम निकालते हैं वास्तविक अक्ष, वास्तविक अक्ष। एक्चुअल एक्सिस का फॉर्मूला क्या होता है, बी एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस में 1.5 एम माइनस 1 ए एस सी एक्स माइनस डी डैश बराबर एम ए एस टी डी माइनस एक्स।
अब इस फॉर्मूले को जरा हम देखते हैं, इसमें आप क्या करेंगे, आपके पास क्या क्या दिया हुआ है, बी आपको यहां दी गई है, एक्स आपको ज्ञात करनी है, एम की वैल्यू आपको दी गई होगी क्वेश्चन में, ए एस सी यहां से दिया गया होगा, डी डैश प्रभावी आवरण, जब आपकी बीम आप बनाएंगे तो ये क्या होता है डी डैश, या तो वो बोलेगा 25 एमएम का कवर 30 एमएम का प्रभावी आवरण, या फिर आप इसको फाउंड भी कर सकते हैं अपने क्लियर कवर में डाया बार का हाफ करके, तो आपका डी डैश निकल आएगा। ए एस टी यहां से आप फाउंड कर लेंगे, डी क्या है प्रभावी गहराई, ये आपको निकालनी पड़ेगी, कैसे निकालेंगे, इस डी डैश को बटा के कुल गहराई में से, प्रभावी गहराई यहां से यहां तक की होती है। अब ये मत कीजिएगा कि आप ऊपर का भी घटा दे नीचे का भी घटा दे, एक नीचे का घटाना है, प्रभावी गहराई तनन प्रबलन के केंद्र से कंक्रीट के दूर वाले किनारे दूरी होती है, किसके तनन प्रबलन, टेंशन रेनफोर्समेंट, कंप्रेशन रेनफोर्समेंट से मतलब नहीं होता, इफेक्टिव डेप्थ में, तो यहां से आपकी एक्स ए की वैल्यू आ जाएगी। जब आपके पास एक्स ए की वैल्यू आ गई, अब हम क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस का फॉर्मूला रखेंगे, क्या होता है कंक्रीट वाला, सिग्मा सीबीसी प्लस ए बटे दो बी एक्स सिग्मा सीबीसी डी माइनस एक्स बाई थ्री लीवर आर्म इनटू में प्लस 1.5 एम माइनस में 1 एएससी, और इसके प्रतिबल क्या होते हैं सिग्मा सीबीसी डैश, ये वर्क कितने पर करता है, डी माइनस सिग्मा सीबीसी डैश, और इसकी लीवर आर्म डी माइनस डी डैश, ये हो गया। अब इस फॉर्मूले में एक्स तो हम यहां से रख देंगे, मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस हमें यहां दिया हुआ है, नहीं दिया है तो हम लोड से ज्ञात कर लेंगे WL²/8 से, तो इस फॉर्मूले में आप देखिए B आपको दी हुई है, एक्स आपने यहां से ले ली, आपको ये सिग्मा CBC ज्ञात करना है और ये सिग्मा CBD C डैश भी ज्ञात करना है, D आप निकाल ली चुके हैं पहले, X भी है M भी है सब कुछ है ASC भी है, आपके पास ये दो वैल्यू नहीं है, तो अब हम इसको एक वैल्यू में फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, कैसे करेंगे, वही पहला वाला, ये क्या था सिग्मा सीबीसी और यहां क्या था सिग्मा सीबीसी डैश, ये आपका एक्स था पूरा, तो ये एक्स माइनस डी डैश, तो इसको आप क्या करते हो सिग्मा सीबीसी, सिग्मा सीबीसी अपॉन एक्स बराबर सिग्मा सीबीसी डैश अपॉन में एक्स माइनस डी डैश, इस फॉर्मूले से आप सिग्मा सीबीसी डैश की वैल्यू की जगह पर इसको सिग्मा सीबीसी के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो सिग्मा सीबीसी डैश की जगह पर लिखिएगा सिग्मा सीबीसी एक्स माइनस डी डैश अपॉन में एक्स, जब आप इसको यहां लिख देंगे तो आपका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बन जाएगा, एम आर इक्वल टू 1/2 डी एक्स सिग्मा सी बी सी डी माइनस में एक्स वाई थ्री प्लस में 1.5 एम माइनस 1 ए एस सी, इस सिग्मा सी बी सी डैश की जगह पर ये वैल्यू रखनी है सिग्मा सी बी सी एक्स माइनस डी डैश अपॉन में एक्स और डी माइनस डी डैश। अब यहां से क्या है, ये भी सिग्मा सीबीसी बन गया और ये भी सिग्मा सीबीसी बन गया, तो यहां से आप सिग्मा सीबीसी की वैल्यू फाउंड कर लेंगे, और जब ये सिग्मा सीबीसी की वैल्यू आ जाएगी तो सिग्मा सीबीसी डैश की वैल्यू कहां से निकालेंगे, इस फॉर्मूले से, यहां से आप इसमें जब सिग्मा सीबीसी की वैल्यू रख देंगे तो आपको सिग्मा सीबीसी डैश भी मिल जाएगा, तो हमारे पास ये दो वैल्यू फाउंड हो गई। अब क्या बचा हमारे पास, ये दोनों, इन दोनों को देखते हैं कैसे निकालते हैं,
क्या निकालना है, सिग्मा एस टी और सिग्मा एस सी। देखिए अब इसमें आप तो फिर से एमआरटी रखेंगे टेंशन वाला, तो क्वेश्चन बहुत लॉन्ग बन जाएगा। तो आपको अपने प्रतिबल आरेख से क्वेश्चन को शॉर्ट से शॉर्ट करना है। सिग्मा एस टी बाई एम सिग्मा सी बी सी। ये क्या था हमारा डी, ये डी माइनस एक्स। जब सिंगली रिइंफोर्स बीम थी यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं डाला था, या फिर हम कहते हैं हम इस वाले ट्रायंगल को नहीं देख रहे हैं, हम तो पूरा देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं हम, ये पूरा। तो वही समरूप त्रिभुजों वाला जो फॉर्मूला था, ये सिग्मा सी बी सी अपॉन में ये एक्स, ये बराबर ये किसके बराबर था, नीचे वाले सिग्मा एस टी बाय एम अपॉन में इस दूरी के, ये दूरी बराबर ये दूरी के डी माइनस एक्स। सिग्मा सी बी सी आप इससे पहले ज्ञात किए थे, तो यहां से आप क्या करेंगे, सिग्मा एस टी की वैल्यू फाउंड कर लेंगे। और जो सिग्मा एस टी की वैल्यू होती है वो होती है आपकी 1.5 एम सिग्मा सी बी सी डैश, सिग्मा सी बी सी डैश। सिग्मा सी बी सी डैश भी हम क्या था ज्ञात कर चुके थे, और सिग्मा सी बी सी भी ज्ञात की थी। तो इन दोनों से हम सिग्मा एस टी और सिग्मा एस टी की वैल्यू शॉर्टली फाउंड कर लेंगे यहाँ से, और इस तरीके से हमारे प्रतिबल ज्ञात हो जाएंगे। अब प्रॉब्लम थर्ड की तरफ देखते हैं, प्रॉब्लम थर्ड में क्या होता है। प्रॉब्लम थर्ड, प्रॉब्लम थर्ड में आपसे पूछा जाएगा ए एस सी और ए एस टी, मतलब कि हम कितना तनन में और कितना संपीड़न में रेनफोर्समेंट दें। इसके लिए जो आपको डाटा गिवन होगा, सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इतने भार के लिए बताइए कितना हम उसमें रेनफोर्समेंट कितनी स्टील डाल सकते हैं। तो या तो आपको लोड दिया होगा या मूवमेंट ऑफ रेसिस्टेंस दिया होगा। सेकंड आपको साइज ऑफ बीम दिया होगा, साइज ऑफ बीम, बीम टू डी का मान। थर्ड आपको ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड स्टील दिए होंगे, ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड स्टील आपको ये वैल्यू दी हुई होंगी। तो हमें क्या दिया हुआ है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड स्टील। तो अब हम अपना सॉल्यूशन कैसे करेंगे, हमें ये सब वैल्यू दी गई है और हमें ए एस सी और ए एस टी बतानी है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे अपने डिजाइन कांस्टेंट, डिजाइन कांस्टेंट, डिजाइन कांस्टेंट क्या है, सिग्मा सी बी सी, सिग्मा एस टी और एम की वैल्यू। ये कैसे पता चलती है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड स्टील से, कि किस ग्रेड की हमारी कंक्रीट है और स्टील है, उससे इन तीनों की वैल्यू हम पता कर देंगे। या तो क्वेश्चन में ये दी होती है, नहीं दी होती तो आपको पता ही है एम 20, एफ 415, एफ 250 कुछ भी आपको स्टील के ग्रेड दिए होंगे और कंक्रीट के। अब आप जब ये ज्ञात कर लेंगे तो आपको पता है हमारा एम बैलेंस इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू बी डी स्क्वायर। प्रतिद्वितीय आघूर्ण का बैलेंस के लिए जो थ्योरेटिकल फॉर्मूला होता है वो एम इज इक्वल टू क्यू बी डी स्क्वायर। जो हमने सिंगली में जो थर्ड प्रॉब्लम की थी उसमें भी हमने यही सी फॉर्मूले को यूज किया था, ये सेम उसी की तरह कॉन्सेप्ट है तीनों प्रॉब्लम के डब्ल्यू के भी। तो अब क्या है, लेकिन इसमें एम की वैल्यू आपको यहाँ दे ही रखी है, बी की वैल्यू, एक बी की वैल्यू आपको यहाँ दी है, डी भी आपको क्या है, साइज तो दिया हुआ है। इसमें हमें ये ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, एम बैलेंस। बी गिवन है, डी आपको कुल गहराई दी है, पर ये क्या है, प्रभावी गहराई। और इफेक्टिव डेप्थ कैसे निकालते हैं, जो डी है इसकी वैल्यू हम कैसे निकालते थे, कुल गहराई में से
क्लियर कवर और जो भी है आपके डाया का हाफ करके। लेकिन हमारे पास हमें एरिया तो स्टील का निकाल नहीं है, मतलब कि हमें डाया ऑफ बार नहीं दिया है, हमें नहीं पता कितने व्यास की छड़े हमारे को उसमें डली हुई है धरन में। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, जो डी है कुल गहराई में से प्रभावी आवरण मान के घटा देंगे। वहां प्रभावी आवरण मान के जोड़ते थे, यहाँ हम क्या करेंगे, आप प्रभावी आवरण 50 से 100 के बीच में कुछ भी मान के जो आपकी टोटल गहराई हो उसमें से घटा दीजिएगा। अगर 1500 दी थी तो आप यहाँ डी बराबर 1400 लिख सकते हैं, 1000 दी थी तो आप 850 लिख सकते हैं। इस तरीके से इफेक्टिव डेप्थ आपको माननी है इसके अनुसार जो आपकी डी दी गई है। अब क्यू कैसे निकालते हैं ये आपको पता ही है, क्यू इक्वल टू क्या होता है, 1/2 के सी इंटू में जे इंटू में सिग्मा सी बी सी। सिग्मा सी बी सी ये रहा, के सी क्या था, वही एफ सी वाला फॉर्मूले में से सिर्फ आपने क्या करना है, डी हटा देनी है। सिग्मा सी बी सी प्लस सिग्मा एस टी, जो एक्स टी वाला फॉर्मूला होता है उसमें से सिर्फ हम यहां से क्या माइनस कर देते हैं, डी को हटा देते हैं। के सी यहां से निकालते हैं, जे 1 माइनस के सी बाई 3। जब आपके पास इसकी वैल्यू यहां से फाउंड हो जाएगी तो आप क्या करेंगे, क्यू की वैल्यू निकाल लेंगे। या फिर आप क्यू की वैल्यू कैसे रख सकते हैं, आईएस कोड में इन दोनों ग्रेडों से स्टील टेबल से क्यू की वैल्यू डायरेक्ट ले सकते हैं। जब आपके पास ये तीनों आ गई तो आप अपना एम बैलेंस निकाल लेंगे। अब क्या है, हम चेक करते हैं, हमें मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस दे रखा है, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। अगर आपके क्वेश्चन में आ जाए कि बीम को डिजाइन कीजिए तो आप कहोगे कैसी बीम डिजाइन करें, सिंगली या डबली। तो सिंगली या डबली पता करने के लिए ये तरीका होता है, आपको मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस दे रखा है, बीम को डिजाइन करवा रहे हैं, तो आप सीधे एम बैलेंस निकाल के आप एम बैलेंस को और एम आर को कंपेयर कर लीजिए। क्या कर लीजिए, कंपेयर। यदि ये दोनों बराबर है या जो एम बैलेंस की वैल्यू है, मतलब कि बैलेंस के लिए जो प्रतिरोधी आघूर्ण है वो आपके दिए हुए से क्या है, ज्यादा है, बैलेंस का ज्यादा है दिए हुए से, आप इतना लगा रहे हो और बैलेंस के अकॉर्डिंग इतना होना चाहिए, तो ये ज्यादा है तो आप सिंगली बना दीजिए, या बराबर है तो भी चल जाएगा। लेकिन आपने जो प्रतिरोधी आघूर्ण आपको ये दिया हुआ है ये ज्यादा हुआ थ्योरी वाले से, तो क्या आप सिंगली बना पाएंगे, नहीं। कंपेयर करने पर अगर ऐसा आता है कि इसकी वैल्यू ज्यादा हो हमने जो निकाली है इससे, तो हम डबली बीम को डिजाइन करते हैं। क्या करते हैं, डबली बीम को डिजाइन करते हैं। आप इससे चेक भी कर सकते हैं कि हमें अपनी बीम सिंगली बनानी है या डबली बनानी है। तो आप जब इस डबली बीम से इसको चेक कर लेंगे, आपका एम आर ज्यादा था एम बैलेंस से, तो अब हम देखेंगे कि हमारा जो एक्स्ट्रा जो मूवमेंट आ रहा है वो कितना है, एक्स्ट्रा मूवमेंट कितना है। एम आर ज्यादा था एम बैलेंस से, इस जो हमें दिया गया है, अगर समझ लीजिए 200 दिया था और हमारा 150 ही आया, तो आप ये चेक करेंगे कितना एक्स्ट्रा और है जिसके लिए हमको बीम को डिजाइन करना है और रिइंफोर्समेंट डालना है। तो आप एम आर में से माइनस कर दीजिए एम बैलेंस को, यह आ जाता है, इसको कह दीजिए एम वन, अतिरिक्त प्रतिरोधी आघूर्ण, ऐसा एक्स्ट्रा मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस, अतिरिक्त प्रतिरोधी आघूर्ण। इसी एम वन की वजह से हम अपने बीम में ऊपर रेनफोर्समेंट देते हैं, नीचे तो हम दे ही रहे थे, लेकिन इस एम वन के लिए, ताकि इस अतिरिक्त आघूर्ण को भी कोई सहन कर सके, हम ये एएससी देते थे इसको सहन करने के लिए। तो ये अतिरिक्त प्रतिरोधी आघूर्ण के लिए हमें आवश्यक इस्पात की मात्रा ज्ञात करनी है, आवश्यक
इस्पात की मात्रा, कि इसके लिए कितना और हमें इस्पात की मात्रा चाहिए। तो ASC, इसके लिए ASC डालते थे। M1 का फॉर्मूला क्या होगा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, फोर्स इनटू लीवर आर्म, लीवर आर्म। बात हो रही है कंप्रेशन की, किसकी बात हो रही है, कंप्रेशन की। कंप्रेशन में इसका यदि जो फोर्स होता है या कहते हैं हम एरिया होता है वो क्या होता है, 1.5 m - 1 ASC, यही होता है, इनटू सिग्मा सीवीसी डेप्थ, ये हो गया फोर्स। अब इसके बाद लीवर आर्म क्या थी, d - d' सिग्मा सीवीसी एम की वैल्यू पता ही है, एएससी आपको ज्ञात करना है। एम वन हमने यहां से माइनस करके निकाल लिया, इसकी वैल्यू एम वन की हमें यहां से मिल गई, इस एम वन की वैल्यू यहां से, एएससी हमें ज्ञात करना है। सिग्मा सीवीसी डैश कैसे फाउंड करते हैं, सिग्मा सीवीसी अपॉन एक्स बराबर सिग्मा सीवीसी डैश अपॉन एक्स माइनस डी डैश से, यहां से आप सिग्मा सीवीसी डैश की वैल्यू ले लेंगे। तो आपका जो एएससी हमें इसके फॉर्म में चाहिए, हमें ज्ञात क्या करना है, ये एएससी बराबर क्या आ जाएगा, एएससी बराबर एम वन अपॉन में सब कुछ नीचे पहुंचा दीजिए, एम माइनस वन सिग्मा सीवीसी डैश और डी माइनस डी डैश। संपीड़न में इस्पात की मात्रा आपको ऐसे पता चल जाएगी। अब रह गया हमारा एएसटी, हमें क्या निकालना है, एएसटी कैसे निकालना है, एएसटी निकालने का आपको सबसे शॉर्ट ट्रिक बताएं तो आपको उदासीन अक्ष का फॉर्मूला अच्छे से याद है। क्या याद है, उदासीन अक्ष का फॉर्मूला क्या होता है, बी एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस में 1.5 m - 1 ASC एक्स माइनस डी डैश बराबर MAST डी माइनस एक्स। यहां पर बी पता है, एक्स भी पता है, एएससी आपने ज्ञात कर लिया था, अभी डी डैश आपको पता है, आपको क्या ज्ञात करना है, एएसटी प्रभावी गहराई भी पता है। तो हम इस फॉर्मूले से इस एएसटी को डायरेक्ट ज्ञात कर सकते हैं एक ही फॉर्मूले से, ये फॉर्मूला आपको पहले से ही लर्न है, तो आप एक ही फॉर्मूले से एक लाइन में एएसटी आराम से निकाल सकते हैं। इस तरीके से डबली रेनफोर्स बीम की तीनों प्रॉब्लम इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं सिंगली से कंपेयर करके देखने पर।